इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए बिना स्टडी के अंदर, क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर कैसे प्रोजेक्ट बनेगा सिक्किम का देख लेते हैं। ये पहले आपका पेज बनेगा, मेन पेज फाइल के ऊपर लगाएंगे आप इसको। ये आपका सेकंड पेज बनेगा, इसमें आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे सिक्किम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। इसकी फोटो डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपको लिखना है उसके अंदर सिक्किम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, कितना एरिया है, क्या टेम्परेचर है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर क्या खासियत है। उसके बाद हम बात करेंगे सिक्किम की हिस्ट्री की, सिक्किम में क्या क्या इतिहास रहा है, सिक्किम में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ये आपको मिलेंगी सामने अपने। उसके बाद ये फोटो डाल रखी है हमने गौतम बुद्ध की, बौद्ध धर्म काफ़ी फेमस है वहाँ पर। फिर सिक्किम का भौगोलिक, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसकी सीमा नेपाल से, भूटान से और बंगाल से मिलती है। अब बात करेंगे पर्यटन की, पर्यटन हमारा टॉपिक जो है बिजनेस स्टडी का टॉपिक है, तो ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे, सिक्किम में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। ये आपके सामने मेन इनकम ट्रांसपोर्टेशन से ही होती है सिक्किम के अंदर, काफ़ी लोग आते जाते हैं घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा एरिया है घूमने के लिए। ये टेम्पल की फोटो, कितना प्यारा टेम्पल है ये। उसके बाद परिवहन के कौन कौन से साधन वहाँ चल रहे हैं देखेंगे, पहाड़ी इलाका होने के बावजूद वहाँ पर पूरे देश से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे का नाम बागडोगरा है और यहाँ पर कलकत्ता, दिल्ली और गुवाहाटी से फ्लाइटें आती जाती रहती हैं। इंडियन एयरलाइंस, डेक्कन एयरलाइंस, जेट एयरवेज और अन्य काफ़ी फ्लाइटें यहाँ पर चलती हैं। बागडोगरा से गंगटोक तक चलता है हेलीकॉप्टर आपका। यह उद्योगों के बारे में, सिक्किम में उद्योग जो है उनके बारे में आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ये दोनों पेज आपके उद्योगों के बारे में है, लघु कुटीर उद्योग भी है, मंझोले उद्योग भी है वहाँ पर। सिंचाई और बिजली की सुविधाएं हैं वहाँ पर जो अवेलेबल है। ये कृषि की अवस्था है वहाँ पर, आलू, अदरक, संतरा और गैस मौसमी सब्जियां यहाँ की अन्य नकदी फसलें हैं जो इम्पोर्टेंट है। सिक्किम दुनिया का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती होती है। यह खेती सदाबहार प्राचीन पद्धति पर आधारित है जिससे कि पोल्यूशन नहीं होता, वातावरण अच्छा बना रहता है। तो इन सब के साथ आप इसको आगे एलोबरेट कर सकते हैं। फिर आप बात करेंगे सिक्किम की अर्थव्यवस्था की और वहाँ पर क्या क्या बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मेन तौर पर यहाँ पर्यटन, खेती, उद्योग और बागवानी पर सिक्किम की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, जो हमने अब तक बात कर ली है पहले भी। और फसलों में चावल, मक्का, आलू, गेहूं, संतरा और अदरक शामिल है। चाय और लाची की जो पैदावार है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, पर्यटन के बारे में पहले बात कर चुके थे, अब समराइज कर रहे हैं उसको। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहाँ पर बहुत फेमस है, जो वो भी यहीं पर है। डियर पार्क भी यहीं पर है। ठीक है, ये गैंगटॉक का प्रसिद्ध स्तूप है। और सिक्किम की बात करें और फुटबॉल की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हम बात करें यूनाइटेड सिक्किम फुटबॉल क्लब की। ठीक है, सिक्किम में फुटबॉल काफ़ी फेमस है और सिक्किम को हिमालय की विंडो भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं कितना प्यारा दृश्य आपके सामने आ रहा है। और आप इसी के साथ अपने प्रोजेक्ट को एंड करेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे धन्यवाद और ये प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।